इस वीडियो में बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है साइकोलिंग्विस्टिक के अंडर एक टर्म है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय चिल्ड्रन अचीव अ फ्लुएंट कंट्रोल ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। यानी हमारी नेटिव लैंग्वेज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, किसे कहते हैं। नेटिव लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो आप बचपन से बोलना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बचपन से, जब मैं छोटी थी तो मुझे उर्दू बोलना सिखाया गया, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या है? उर्दू। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि वो वाला बच्चा जो शुरू से ही उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो किस तरह उसकी फ्लुएंसी को कंट्रोल करता है, किस तरह अपनी लैंग्वेज को सीखता है, उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अब ये बात भी है कि आपको जो जिस लैंग्वेज के आप नेटिव स्पीकर हैं, आपको जो लैंग्वेज इतने अच्छे से आती होगी, इतने अच्छे से आप उस लैंग्वेज के रूल्स वगैरह सब कुछ जानते होंगे, इतना नेक्स्ट पर्सन नहीं जान सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उर्दू स्पीकर हैं और कोई इंग्लिश स्पीकर जो है उसे उर्दू नहीं आती, तो उसे सीखेगा, वो उसे सीखने में बहुत टाइम लगाएगा। हालांकि वो एक मेच्योर पर्सन है, लेकिन उसे वो लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप बच्चे थे या आपने नेटिव लैंग्वेज से बोलना स्टार्ट की थी, आपको सीखने में इतना टाइम नहीं लगा था जितना उस मेच्योर पर्सन को सीखने में लग रहा है, क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था लैंग्वेज एक्विजिशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।